मथुरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से बच्चा चोरी होने की घटना आई थी 24 अगस्त को सामने। बच्चा चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। आरोपी मथुरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म से बच्चा चोरी कर मौके से फरार हो गया था। इस दौरान बच्चे की मां सो रही थी। पुलिस ने बताया था कि प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर एक महिला राधा पत्नी करण निवासी ग्राम प्रखंड थाना फरह जिला मथुरा अपने 7 महीने के मासूम को लेकर सोई हुई थी। इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने घटना को अंजाम दे डाला। स्टेशन में लगी सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि देर रात एक शख्स स्टेशन पर आया, फिर उसने आसपास देखा। महिला को सोता देख आरोपी बच्चे को उठाकर वहां से निकल गया। तब से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। जीआरपी पुलिस द्वारा शातिर चोर के फोटो सोशल मीडिया पर पहचान के लिए वायरल किए गए थे। मासूम बच्चे की बरामदगी के लिए 6 टीमों का गठन किया गया था। जीआरपी और आरपीएफ पुलिस ने कई जगहों पर दबिश भी दी थी। पुलिस एक के बाद एक कड़ी जोड़ती चली गई और इसके बाद पुलिस ने फिरोजाबाद से मासूम बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान हाथरस निवासी बांके बिहारी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर दंपत्ति द्वारा बताया गया कि साहब, हम लोग अपने भौतिक एवं आर्थिक लाभ के लिए मानव तस्करी, बच्चा चोरी करने से लेकर बेचने तक का एक सुसंगठित गिरोह चलाते हैं, जिसमें गैंग के कुछ लोग बच्चा चोरी करते हैं तथा कुछ लोग हमारे पास निसंतान दंपत्ति बच्चा पाने वाले ग्राहक को लाते हैं, जिनसे हम लोग मोटी रकम पर सौदा कर चोरी किए बच्चों को बेच देते हैं। हम लोग मुख्यतः लावारिस बच्चों को चोरी करके बेचते हैं, परंतु जब कोई लावारिस बच्चा नहीं मिलता तो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि स्थानों पर बच्चों की रेकी कर बच्चों के माता पिता से नजर बचाकर बच्चे की चोरी कर लेते हैं, और जरूरतमंद दंपति जो पहले से ही हमारे संपर्क में होता है उसको चोरी किया हुआ बच्चा बेच देते हैं। साहब, विमलेश पूनम ANM का कार्य करती है, उन्हें इस प्रकार के ग्राहक आसानी से मिल जाते हैं। यह काम हम लोग कई सालों से कर रहे हैं। दिनांक 24 अगस्त को रेलवे स्टेशन मथुरा जंक्शन से इस बच्चे को दीप कुमार द्वारा चोरी किया गया था, जिसे हम लोगों ने फिरोजाबाद निवासी दंपति विनीता अग्रवाल पत्नी कृष्ण मुरारी अग्रवाल को 1,80,000 रुपए में बेचा था। पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाले गिरोह के 8 सदस्य दीप कुमार, पूनम, मंजीत, विमलेश, डॉक्टर प्रेम बिहारी, डॉक्टर दयावती, कृष्ण मुरारी और विनीता अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। बच्चा चोरी करने के बाद चोरों ने बच्चे को फिरोजाबाद के रहने वाले विनीता अग्रवाल पत्नी कृष्ण मुरारी अग्रवाल को बेचा था। मासूम बच्चा आज जीआरपी पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं अपने बच्चे को पाकर माता पिता अपनी खुशी जाहिर करते हुए पुलिस को धन्यवाद दिए। मुकदमा लिखा गया था जिसमें 363 का मुकदमा लिखा गया था, जिसमें वादी जो है वो राधा जी है, जो यही क्या मथुरा की है जी, वो यहाँ पे आगरा आए थे, ये मथुरा आए थे उन लोग घूमने के लिए। तो प्लेटफॉर्म से उनका बच्चा जो है वो चोरी हो गया था सुबह के लगभग 4 बजे के आसपास, जो कि फुटेज आप लोगों ने देखा होगा। तो ऐसे मुकदमा लिखा गया था। उसके बाद जो है इसके लिए 6 टीमें जो है वो बनाई गई थी, सर्विलांस की टीम, कई थानों की टीम इसमें लगाई गई थी, जिसमें कासगंज है हमारा, हाथरस है, मथुरा है, आगरा है, कई जगहों की टीम जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे इसके अनावरण के लिए लगाया था, और फुटेज को हम लोगों ने कई जगहों पे सर्कुलेट करवाया था। उसी प्रकरण में ये संज्ञान में आया, जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गैदर हुआ कि वो बच्चा की चोरी जो है वो ये दीपक नाम का लड़का है, ये हाथरस का है, दीपू इसको बोलते हैं, इसका कहाँ है आप सबके सुनते हैं, दीप कुमार है, ये हाथरस का है। तो ये जो आप लोगों ने फुटेज देखा होगा वो आदमी जो है वो दीप कुमार है, जो बच्चा जो है वो उठा करके ले गया था। फिर उसके बाद हमें पता चला कि पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड उनका गैंग है, पूरा एक जिसमें कई लोग शामिल हैं, इसमें बच्चा चोरी करने वाले हैं, बच्चा बेचने वाले हैं, इसमें कुछ 2 महिलाएँ भी शामिल हैं जो ANM का काम जो है वो हाथरस में करती हैं, और उनके द्वारा जो भी जिसको जिस भी दंपति को बच्चे नहीं होते हैं उनका क्या करते हैं कि वो लोग उनके पास आते हैं, फिर वो हॉस्पिटल वाले के पास ले जाते हैं और वहाँ पर ये बच्चे को बेचा जाता है और ख़रीदा जाता है और उनके जो भी लोग हैं उन तक पहुँचाया जाता है। इसी में पूरे जो सिंडिकेट था उसमें हमने बच्चा जो है बरामद किया है, जो उस बच्चे का नाम संजय है उसको हमने बरामद करके उसके माँ बाप को जो है वो सपोर्ट किया है, और इसमें जितने भी लोग इसमें शामिल थे उन्हीं लोगों को हमने सभी लोगों को अरेस्ट किया है। ये पूरा मामला है। कितने लोग सर, ठीक है, कितने सर, क्या ये बच्चा बेचा गया है और कितने में बेचा गया है? तो बाइट हो रही है सर, बाइट हो रही है सर, देखिए टोटल लोग जो हैं 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें 2 लोग जो है जो हॉस्पिटल संचालक हैं, 2 लोग हैं, एक का नाम प्रेम बिहारी है और दूसरा दयावती जी हैं, ये लोग अपना हाथरस में इनका हॉस्पिटल है, एक पूनम है जो वाइफ ऑफ मनजीत सिंह है और एक विमलेश है, ये दोनों लोग ANM हैं, इनके ये दोनों भी अरेस्ट हुए हैं।
जो दीप कुमार जो है, जो आपको फुटेज में जो लड़का जो चोरी करता हुआ है, एक वो है। इसके अलावे जो है इसमें एक मंजीत है जो कि मंजीत है, ये भी अरेस्ट हुए हैं। तो टोटल 8 अरेस्टिंग जो है वो हुई है इसमें। और जिन्होंने खरीदा था बच्चे को, इनका नाम जो है ये कृष्ण मुरारी अग्रवाल है और इनकी पत्नी विनीता अग्रवाल, इन दोनों ने इस बच्चे को खरीदा था। जब इनसे पूछताछ हुई थी तो इनमें ये पता चला कि इनको केवल एक बेटी थी और बेटे की चाहत के लिए जो है इन्होंने बच्चा जो है वो खरीदा था। 1,80,000 रुपये में जो है ये बच्चा को खरीदा गया था और उसको इन लोगों ने आपस में बांटा था। और ऐसी भी संज्ञान में आया है इन्होंने पहले भी इस तरीके के बच्चे जो है बेचे हैं। अब कितने बच्चे को बेचा है उसका भी हम इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर रहे हैं, कहाँ से वो लोग लाए थे, किसको बेचे हैं, ये भी अभी हमने इन्वेस्टिगेशन जो है उस सिस्टम में कर रहे हैं। बताया जा रहा है जिन लोगों ने बच्चा खरीदा वो बीजेपी की पार्षद थी महिला, तो क्या लगता है? देखिए मेन इसमें एक माँ है और एक पिता है जिसको जैसे बेटी की चाहत थी उसको लेकर के उन्होंने खरीदा है। अभी इसको हम इसको वेरीफाई करवा रहे हैं कि लोगों ने मेनली हमें बच्चा जो है बरामद हुआ है और उसमें जो भी लोग खरीदने वाले थे उन दोनों को अरेस्ट किया गया। क्या भाजपा के पार्षद है वो जो अभी इसको हम वेरीफाई करवा रहे हैं? अभी तक ये जानकारी आ रही है कि विनीता अग्रवाल है और एक कृष्ण मुरारी जी है, दोनों पति पत्नी है जो फिरोजाबाद के रहने वाले हैं, उनको हम वेरीफाई करवा रहे हैं। 8 लोग शामिल अभी इसकी चूँकि इन्वेस्टिगेशन है, इसमें जितने भी लोग होंगे जो भी इस पूरा का पूरा गिरोह है, ये इस गिरोह में जो है बच्चा खरीदने वाला भी है, बच्चा बेचने वाला भी है, बच्चा को सप्लाई करने वाला भी है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाला भी है, तो पूरे इस रैकेट को जो है हम लोग उसमें जितने भी लोग जुड़े हुए थे अभी चूँकि ये केवल 2 दिनों का मैं जो है लगातार हमारी टीम इसके लिए काम कर रही थी, उसमें हम लोगों ने इतने लोगों को अरेस्ट किया है और जिस पूरी टीम को मेरे द्वारा जो है 25,000 का इनाम भी जो है वो दिया गया। बच्चा 23 तारीख को चोरी हुआ।